आज तमाम सारा हुजूम के साथ आए हुए 400 पार होना है। देखिए जो एनडीए का गठबंधन है, चाहे वो अपना दल हो साथ में बीजेपी के, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या सुहेलदेव जी की पार्टी हो, सब लोग एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी को उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीट जिताने के लिए और विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत मनाने के लिए, गरीबों को राशन मिल रहा मिलता रहे, लोगों को आवास 3 करोड़ देने का मोदी जी ने फिर से वादा किया वो मिल जाए, लोगों को इलाज मुफ्त में मिलता रहे, किसानों के खाते में पैसा जाता रहे, इसलिए सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग मोदी जी के साथ खड़े हो गए। कौशल जी, तमाम सारा हुजूम यहाँ पे दिखा, एक ऐतिहासिक पल की तरह आज नामांकन करने सब लोग आए हुए हैं, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे सर? इतना जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग जनता की जेब के आदमी हैं, हमने तो बोला था मेरा नंबर जिसकी जेब में कौशल उसकी जेब में, अब मैं बोलता हूँ जिसके मोबाइल में मेरा नंबर कौशल उसकी जेब के अंदर, तो हम लोग तो जनता के आदमी हैं, जनता की जेब के आदमी हैं, इसलिए जनता का वो प्यार और समर्थन मिल रहा वही हुजूम उमड़ करके आया है। और अब जनता देश को दुनिया का सबसे बेहतर भारत बनाना चाहती है, दुनिया का सबसे विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए मोदी जी को सब लोग वोट करने का काम कर रहे हैं, सभी समुदाय सभी वर्ग और सभी समाज के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे कौशल किशोर जी, मोहनलालगंज से बीजेपी प्रत्याशी हैं और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता का प्यार है वो यहाँ हुजूम बनकर फिलहाल आ गया है। कैमरा पर्सन विजेश के साथ मैं आकाश कश्यप, दैनिक भास्कर, लखनऊ।